हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपांशु, आपका स्वागत है दीपांशु एक्स फिल्म में। तो फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के लिए कुछ खेल निकाल लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसकी मेकिंग पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, मैंने ये पट्टी ले ली है। तो देखिए, ये पतली वाली पट्टी है, ये मोटे वाली। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से ये बहुत सारे, मैं फर्नीचर के पास गया था तो देखिए मैंने वहाँ से ये वुड के पीस ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से फिनिशिंग, आप ये भी ले सकते हैं और कोई सा भी आपको जैसा पीस मिले वैसा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स हम ये ले लेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स इन सबको हम साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कील चाहिए। तो फ्रेंड्स डरिए मत, हमें ये पूरा डब्बा नहीं चाहिए, हमें इसकी सिर्फ दो कील चाहिए। तो फ्रेंड्स ये दो कील ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इन सब इस कीलों को साइड में कर देते हैं। और तो फ्रेंड्स इन दोनों कीलों को हम यहाँ पे काट देंगे। तो फ्रेंड्स इसे नहीं काट देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे प्लायर के साथ ऐसे ठोक दिया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक टीन का वायर चाहिए। तो फ्रेंड्स हम टीन का वायर लेके आते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, हमें टीन का नहीं स्टील का चाहिए था। तो फ्रेंड्स हम इसे यहाँ से लपेट लेते हैं। तो हम इसे ऐसे लपेट लेके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स स्टील के वायर को लपेटने से पहले इसे सैंड पेपर के साथ रफ कर लीजिए इसकी दोनों टर्मिनलों को। तो फ्रेंड्स मैंने इसके दोनों टर्मिनलों को रफ कर लिया है। फ्रेंड्स अभी हम इसमें ये स्टील का वायर जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जोड़ देते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लपेट लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी इसे ऐसे कुछ भी आप शेप दे सकते हैं अपनी मनमर्जी से। देखिए फ्रेंड्स, तो हम ये शेप दे रहे हैं इसे। तो आप थोड़ा इसे मुश्किल से शेप दे देना कुछ भी आप। तो फ्रेंड्स दूसरे टर्मिनल को इस पर बांध देना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे अपने लोहे के हाथों से इसे बांध देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ऐसी शेप दे दी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर देंगे और इसमें एलईडी और बैटरी फिट करके। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें ये दोनों फिट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। और फ्रेंड्स इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल पर सोल्डर किया तो ये सारा नेगेटिव हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पर मैंने एलईडी फिट कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलने से ये एलईडी ब्राइट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राइट हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे इसके साथ एक इसमें ऐसे क्लिप बना लेंगे। फ्रेंड्स इसका क्लिप बना लेते हैं। तो क्लिप बनाने से पहले हम फ्रेंड्स इस एक टर्मिनल पर टेप लपेटनी पड़ेगी, जिससे अच्छे से नहीं तो। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी एक रिंग बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम प्लायर के साथ कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से, अपने हैंड के हिसाब से इसे कट कर लेते कर ले। तो फ्रेंड्स मैं इतना कट कर रहा हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ऐसे रिंग बना ली है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ऐसे डाल देंगे। फ्रेंड्स आप इस एलईडी की जगह एक बजर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसे ऐसे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हमेशा चस्ती रहेगी। तो फ्रेंड्स इसे हमेशा चस्ते आने रहने के कारण तो हम इसमें टेप लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये टेप ले लिया। फ्रेंड्स हम इसके यहाँ पे इसके बांध देंगे, लगा चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से। फ्रेंड्स एक ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो फ्रेंड्स हम एक यहाँ पे लगा देते हैं इसके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे सभी जगह से टेप लगा दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दी जिससे यहाँ पे लटकदार है। तो फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे एलईडी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसे टच करके दिखाएंगे तो आपको ये ब्राइट होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे ऐसे यहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अरे यहाँ पे हम शोल्डर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे पार करके देखेंगे ये हम इसे पार हो गया नहीं। तो फ्रेंड्स हम इसे पार करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आउट हो गए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा सी यू।